Dear students of class 9, today I am going to start the poem, The North Ship. Please take out your books. It is on page number 69 and listen carefully, okay? See, the poet says, I saw three ships go sailing by. Now, in this poem, is kavita mein, kavi kya karte hain? Teen jahazo ka journey ko describe karte hain. He describes the journey of three ships. ये तीन जहाज का जो डेस्टिनेशन है यानी कि लक्ष्य है वो सेम नहीं है. ये तीन जहाज तीन अलग अलग दिशा में वो सेल करते हैं. इट सेल दे सेल इन डिफरेंट डायरेक्शंस. इनमें दो जहाज वापस आ जाता है लेकिन जो तीसरा जहाज है वो बहुत इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस वो जब सफर भरता है The situation of the sea becomes very rough and difficult. Lekin iske bawajood ye jahaz aage badhte rehta hai. So this is the basic idea. Now come to the poem. I will explain the inner meaning and all that as we go along. Dekho, I saw three ships go sailing by. Kabhi kehte hain ki maine teen jahazon ko dekha. Jo jahaz were sailing by. Matlab wo samundar mein nikal, safar ke liye wo nikal chuke the. Over the sea, the lifting sea. Lifting मतलब ऊपर उठाना. यहाँ पे समुंदर को lifting sea क्यों कहते हैं? कहा गया है क्योंकि समुंदर का जो लहर है वो ऊपर उठता है, नीचे आता है, ऊपर उठता है कि नहीं. जो wave है, समुंदर का जो waves है वो क्या होता है? वो ऊंचा उठता है, नीचे आता है, ऊंचा उठता है, नीचे आता है. तो लहर से भरा हुआ समुंदर के ऊपर से ये तीनों जहाज, कभी कहते हैं कि मैंने ये तीनों जहाज को अपनी सफर में निकलते हुए देखा. And the wind rose in the morning sky and one was rigged for a long journey. तो सुबह का वक्त था, wind rose, एक हवा बहने लगा. देखो पुराने दिनों में जहाज के लिए सही हवा होना बहुत जरूरी था क्योंकि in the old days the ships were usually sail ships. Now what is the meaning of sail? Just wait a minute, I'll give you an example of a, I'll show you a picture of a sail ship. Just a minute. Just a minute. एक मिनट रुको, मैं फोटो डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ. सेल शिप, ओके. देखो पुराने दिनों के जो जहाज होते थे, आजकल का जहाज तो मशीन में चलता है लेकिन ओल्डन डेज में जो जहाज होता था उन जहाजों में, इन द ओल्डन डेज जो शिप्स होते थे उन शिप्स में इस तरह के कपड़े के बना सेल्स होते, इनको सेल्स बोला जाता है. जब हवा बहता था तो ये सेल्स जो है उसमें हवा लगता था और जहाज आगे बढ़ता था. तो कवि कहते हैं कि सुबह का वक्त था और एक सही हवा चल रहा था. And one was rigged for a long journey. Rigged मतलब the boat was prepared. The boat was or the ship was prepared for a long journey. ये तीनों जहाज जो है ये एक लंबे सफर भरने के लिए ये तीनों जहाज तैयार थे. The first ship turned towards the west. पहला जो जहाज है वो पश्चिम की तरफ गया. पहले मैं एक बार poem को reading पढ़ लेता हूँ, उसके बाद inner meaning समझाता हूँ. The first ship turned towards the west. पहला जहाज जो है वो पश्चिम की तरफ गया. Over the sea, the running sea. Running sea यहाँ पे मतलब sea का current. ठीक है, तो समुंदर के ऊपर से sea का जो current था, the current was also flowing towards the west, जो जहाज को आगे बढ़ने में मदद किया. And by the wind was all possessed. और जो हवा बह रहा था वो हवा भी पश्चिम की दिशा में बह रहा था, तो जहाज का sail हवा से भर उठा. तो देखो ये जहाज, पहला जो जहाज था उसका जो कंडीशन था, जिस माहौल में वो सफर भरा, वो पूरा माहौल इस जहाज के लिए बहुत ही फायदेमंद था. एक तो समुंदर का करंट था, दूसरा देखो सही हवा बह रहा था जो जहाज को आगे लेकर बढ़ा. एंड कैरीड इट टू अ रिच कंट्री. और ये जहाज शायद व्यापार करने के लिए निकला होगा या जो भी मकसद से निकला होगा. ये जहाज वेस्ट में जो देश में पहुंचा, उसका जो डेस्टिनेशन था, लक्स था जहां पे पहुंचना. इट वाज द रिच कंट्री एंड ऑब्वियसली द शिप, बिकॉज
हवा भी सही था, करंट भी सही था, तो पहला जहाज बहुत आसानी से वो अपनी लक्ष्य, अपनी डेस्टिनेशन पे वो सक्सेसफुली पहुंच गया। द सेकेंड शिप टर्न टूवर्ड्स द ईस्ट, अब दूसरा जहाज जो है वो पूरब की तरफ मुड़ा। ओवर द सी द क्वेकिंग सी, आप देखो समुंदर के हालात अब थोड़ा बिगड़ जाता है। क्वेकिंग सी, क्वेकिंग मतलब होता है कांपना, यहाँ पे क्वेकिंग का मतलब है बहुत ज्यादा बड़े बड़े लहर समुंदर में चलने लगा। एंड द विंड हंटेड इट लाइक ए बीस्ट, तो जैसे देखो कोई बीस्ट मतलब जंगली जानवर, कोई जंगली जानवर जब अपनी शिकार के ऊपर पड़ जाता है और अल्टीमेटली वो अपनी शिकार के ऊपर शिकार को पकड़ के उसको फार खाता है, उसी तरह से देखो ये जो जहाज पूरब की तरफ जा रहा था जब सफर में वो निकला तो बहुत बहुत ज्यादा तेज हवा बहने लगा। इतना तेज हवा बहने लगा कि ऐसा लगा जैसे कोई जंगली जानवर जैसा ये हवा हवा भी इस जहाज को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ था। एंड फाइनली टू एंकर इन कैप्टिविटी, एंकर का मतलब क्या होता है, एंकर एक्चुअली मीन्स जहाज जब किसी जगह पर रुकता है तो पानी के साथ वो बह ना जाए, इसीलिए जहाज में एक लोहे का बना एंकर होता है जो जहाज क्या करता है समुंदर के पानी में गिरा देता है, तो वो जो मोटा लोहा का एंकर है वो जहाज को एक जगह पे पकड़ कर रखता है। तो यहाँ पर टू एंकर इन कैप्टिविटी मीन्स कि देखो ये जहाज इतना ज्यादा ऊंचे ऊंचे लहरें चला और इतनी तेज हवा बहने लगा कि ये जहाज अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पाया। जो जहाजी, जो सेलर्स इस जहाज पे थे वो अपनी जहाज को नियंत्रण में नहीं रख पाया और ये जहाज कोस्ट के साथ, समुंदर के तट के साथ जाके टकरा के वहीं अटक गया। मतलब ये दूसरा जहाज जो है उसका सिचुएशन इतना बुरा था, इतना बैड था कि वो अल्टीमेटली अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया। द थर्ड शिप ड्रोव टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो तीसरा जो समुंदर जहाज था वो उत्तर की दिशा में रवाना हो गया। ओवर द सी, तो समुंदर के ऊपर से द डार्कनिंग सी, देखो ये जहाज का माहौल और भी खराब था, आसमान में काली काला बादल छा रहा था, तो चारों तरफ द सी वॉज बिकमिंग डार्क, काले बादल की वजह से चारों तरफ समुंदर अंधेरा बन रहा था। एंड नो ब्रेथ ऑफ विंड केम फोर्थ, मतलब कहीं से कोई हवा नहीं आया, देयर वॉज नो विंड, मतलब जहाज को आगे बढ़ाने के लिए जो हवा चाहिए था बिल्कुल हवा नहीं था। एंड द डेक्स शोन फ्रॉस्टली, उसके ऊपर बर्फ गिरा और बर्फ गिर के पूरा समुद्र जहाज का जो डेक होता है ऊपर का पार्ट होता है वो बर्फ से ढक गया। द नॉर्दर्न स्काई रोज हाई एंड ब्लैक, तो जहाज के सामने काला रंग का उत्तर का आसमान था। ओवर द प्राउड अनफ्रूटफुल सी, मतलब और समुंदर चारों तरफ फैला था, हवा नहीं था, तो जहाज के हाल क्या था, जहाज आगे बढ़ नहीं पाया। ईस्ट एंड वेस्ट द शिप्स केम बैक हैप्पीली और अनहैप्पीली, तो अब देखो जो जहाज पश्चिम की तरफ गया था, जो अपनी जो एक रिच कंट्री में पहुंचा, वो अपना सफर में सफलता प्राप्त करके वो वापस लौट आया। जो पूरब की तरफ जहाज गया था, जो कोस्ट के साथ टकरा गया, वो भी वापस आ गया, हालांकि उसकी सफर बहुत हैप्पी नहीं रहा क्योंकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाया, तो वो अनहैप्पीली लौटा। लेकिन तीसरा जो जहाज था वो देखो जो समुंदर के ऊपर से वो सफर भर रहा था, वो समुंदर के हालात था, द सी वॉज अनफॉरगिविंग, अनफॉरगिविंग मतलब कंडीशंस ऑफ द सी वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट, आसमान वॉज डार्क, आसमान कोई हवा नहीं था, बर्फ गिर रहा था अंडर ए फायर स्पिलिंग स्टार, और जो आसमान में सितारा था कंडीशन इतना बुरा था कि कवि कहता है कि रात के सितारे को भी देख के लग रहा था, सॉरी आई एम रॉन्ग, यहाँ पे फायर स्पिलिंग स्टार मीन्स द सन, तो दोपहर को सूरज जो था वो बड़ा तेज चमक रहा था, बड़ा गर्मी के साथ तेज चमक रहा था, और रात को ठंड के मारे समुंदर जहाज के ऊपर बर्फ गिर चुका था और कभी कभी तो बिल्कुल हवा नहीं था और आसमान कभी कभी बीच बीच में काले बादल से आसमान ढक गया। एंड इट वॉज रिप्ड फॉर अ लॉन्ग जर्नी, ये जहाज लौटा नहीं, ये जहाज एक बहुत लंबी सफर के लिए तैयार होकर ये जहाज आगे निकला था। नाउ आई कम टू द इनर मीनिंग, अब इस कविता की जो अंदर का मीनिंग है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे जहाज मतलब इंसान की जिंदगी, जहाज मतलब यहाँ पे इंसान, और जहाज का जो सफर है वो हमारा
जीवन का सफर है। तो हमारी जीवन का सफर में हम तीन तरह का परिस्थिति, तीन तरह का सिचुएशन हम फेस करते हैं। एक, जो लोगों की जीवन काफी आसान होती है, वो अपने लिए जो लक्ष्य सेट करते हैं, उनका द सिचुएशन इन देयर लाइफ, उनका जीवन का जो सिचुएशन है वो काफी फेवरेबल होता है, तो वो बड़ी आसानी से और आराम से अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसा होते हैं जो भी एक लक्ष्य तय करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनका जीवन की परिस्थिति कुछ ऐसा आ जाता है कि वो विफल हो जाता है। दे आर नॉट सक्सेसफुल इन रीचिंग देयर गोल, वो अपनी गोल तक पहुंच नहीं पाते, तो वो विफल होकर, फेलियर होकर, अनसक्सेसफुल होकर वो उनको लौटना पड़ता है। लेकिन तीसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बहुत दूर का लक्ष्य अपने सामने वो रखते हैं, और जब उस लक्ष्य को पाने के लिए वो सफ़र, जिंदगी के सफ़र वो भरते हैं, बहुत सारे खतरे, बहुत सारे बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स, डिफिकल्टीज कम इन देयर वे, बट दीज पीपल दे डू नॉट गिव अप होप, दे डू नॉट फॉरगेट टू फाइट। ये तीसरा शिप जैसा हर एक बाधा के सामने, हर एक ऑब्स्टिकल के सामने, हर एक डिफिकल्टी के सामने ये लोग निडर होकर, विदाउट गिविंग अप, विदाउट एक्सेप्टिंग डिफीट, ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं। पॉसिबली एक ना एक दिन जरूर इन लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। सो दिस इज द पोएम। सो डू वन थिंग, गो थ्रू द पोएम। कहीं पे भी अगर कोई वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आए, या कहीं पे भी अगर कोई लाइन समझने में दिक्कत हो, वहाँ पे उस जगह को अंडरलाइन करके मुझे फोटो उठा के भेजना, मैं ज़रूर दोबारा वो जगह एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जस्ट गो थ्रू द पोएम, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दिस पोएम। मैं वेडनेसडे को इस पोएम के ऊपर कुछ होमवर्क बुक में जो है, लेट मी फर्स्ट लुक एट द एक्सरसाइज इन योर बुक। अच्छा ठीक है, तुम लोग एक काम करना, तुम लोग ओके, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, तुम लोग एक काम करना, इसका जो MCQ और एक्सरसाइज टू जो है, एक्सरसाइज टू, ये दो एक्सरसाइज तुम लोग करके, और एक्सरसाइज फोर, MCQ, एक्सरसाइज टू और एक्सरसाइज फोर, ये करके फोटो उठा के जैसे व्हाट्सएप में तुम लोग होमवर्क भेजते हो, उस तरह से मुझे वेडनेसडे शाम तक होमवर्क भेज देना। मैं वेडनेसडे को कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस चैप्टर के ऊपर बना के मैं अपलोड कर दूंगा, फिर वो करके हमको थर्सडे तक जमा कर देना। ओके थैंक यू। और होमवर्क का जो डेट मैं देता हूँ, काइंडली उसको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना, नहीं तो मेरे लिए उसको फॉलो अप करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। थैंक यू।